आपका गवर्नमेंट जॉब्स चैनल में स्वागत है। जॉब्स एडमिट कार्ड रिजल्ट एक्सेट्रा इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको एम्स ऋषिकेश इंजीनियर रिक्रूटमेंट की इन्फॉर्मेशन दूंगी। असिस्टेंट एंड जूनियर इंजीनियर अप्लाई लिंक के लिए कैसे अप्लाई करना है, तो एप्लीकेशन फ़ीस, एज क्राइटेरिया एंड हाउ टू अप्लाई एक्सेट्रा, पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए जो कि सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मेंशन है, तो आप वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहें। जानकारी के लिए मैं आपको वेबसाइट पर लेके चलती हूँ, gayatrijobs.com पे। स्टूडेंट जो एम्स ऋषिकेश इंजीनियर की रिक्रूटमेंट है, तो ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के द्वारा जारी हुई है। तो इसमें 31 पोस्ट है, सभी एलिजिबल इंटरेस्टेड कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट इंजीनियर एंड जूनियर इंजीनियर सीनियर मेडिसिन मैकेनिक एप्लीकेशन फॉर्म के लिए 15 सितंबर से 17 अक्टूबर तक। तो डिपार्टमेंट का नाम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ऋषिकेश है। 31 इंजीनियर्स हैं, रिटर्न एग्ज़ाम है, सिलेक्शन प्रोसेस मतलब रिटर्न एग्ज़ाम पे होगा। और मैं आपको बता दूँ व्हाट आर द एम्स वैकेंसीज, सैलरी, एज लिमिटेशंस एंड रिक्वायर्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन। एडवर्टाइजमेंट नंबर भी है, नंबर ऑफ पोस्ट भी है, ग्रुप भी है, कैटेगरी वाइज पोस्ट भी है, मैक्सिमम एज भी है, सैलरी पर मंथ भी है और रिक्वायर्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन की पूरी इन्फॉर्मेशन वेबसाइट पे प्रोवाइड है, आप चेक कर सकते हैं। व्हाट इज़ द एम्स जॉब्स एप्लीकेशन फ़ीस, थ्रू नेट बैंकिंग, वीज़ा, मास्टर कार्ड एंड रुपए क्रेडिट डेबिट कार्ड से कर सकते हैं। कैटेगरी और ग्रुप्स और एग्जामिनेशन फ़ीस भी यहाँ प्रोवाइड है, आप वेबसाइट से चेक कर सकते हैं। एंड हाउ टू अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी है। वेयर कॉन्टैक्ट इट गिव एनी इशू रिगार्डिंग फिलिंग ऑनलाइन फॉर्म, ईमेल आईडी भी प्रोवाइड है, फ़ोन नंबर भी प्रोवाइड है, क्वेरी आप कर सकते हैं। डिटेल एम्स AJEE एडवर्टाइजमेंट, तो एडवर्टाइजमेंट को कैसे पढ़ेंगे, रीओपन नोटिस हुआ है, नोटिस को पढ़ लें अच्छी तरह, फिर आप वैकेंसी के लिए आवेदन करें और इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर लें। और ये आपको रजिस्टर नाउ लॉगिन का लिंक भी दे दिया है। इसके साथ साथ आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।